HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको आम भाषा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी बोलते हैं, और फ्यूल कलर कोडेड स्टिकर जो हैं वो दिल्ली के अंदर अभी कंपलसरी हो गए हैं दिल्ली की सारी रजिस्टर्ड गाड़ियों के ऊपर। इन स्टिकर्स और HSRP प्लेट्स को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं bookmyhsrp.com पर जाके। लेकिन यहाँ पे एक शिकायत आ रही है, लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रंट लेज़र कोड और रियर लेज़र कोड क्या होता है, जो आपकी RC के ऊपर मेंशन नहीं होता है। तो अभी आपको बता देते हैं कि आपको फ्रंट लेज़र कोड और रियर लेज़र कोड आपकी गाड़ी का कहाँ से मिलेगा। अगर आपको HSRP प्लेट बुक करनी है तो उसमें आपको लेज़र कोड की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से लग के ही आएगा। ये पहचान भी होता है कि आपकी नंबर प्लेट असली है या नकली। अगर ये लेज़र कोड जो आपकी फ्रंट और बैक नंबर प्लेट पर लिखा होता है, अगर ये नहीं होगा तो वो नकली होती है, और अगर लेज़र कोड होगा तो वो असली मानी जाएगी। अब अगर आप स्टिकर बुक कर रहे हो तो स्टिकर बुक करते हुए आपको लेज़र कोड का ऑप्शन ज़रूर देना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपनी नंबर प्लेट के फ्रंट और बैक ऊपर आपको जहाँ ये होलोग्राम उसके नीचे IND लिखा होता है, उसके नीचे आपको ये एक 10 लेटर का कोड दिख रहा होगा जो लेज़र प्रिंटिंग से इसके ऊपर प्रिंट होता है। ये लेज़र कोड ही आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड के अंदर मिलेगा, और इस कोड को ही आपको फ्रंट लेज़र कोड और रियर लेज़र कोड के ऑप्शन के अंदर भरना है, जिससे आप इसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। नहीं तो ये कई लोगों को मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि RC पे कहीं भी लेज़र कोड नहीं होता है, वो आपको नंबर प्लेट पे ही देखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूल कलर कोडेड स्टिकर बुक कर रहे हैं तो, अगर आप नंबर प्लेट बुक कर रहे हैं तो फिर आपको कलर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर प्लेट तो है नहीं है, तो वो नई नंबर प्लेट जो आपके पास आएगी वो ऑलरेडी इस लेज़र कोड के साथ आएगी। फ्रंट नंबर प्लेट के ऊपर जो कोड मिलेगा वो आपको फ्रंट लेज़र कोड वाले ऑप्शन के सामने भरना है, और बैक नंबर प्लेट के ऊपर जो लेज़र कोड मिलेगा उसको आपको रियर लेज़र कोड के सामने भरना है, और आपका फ्यूल कलर कोडेड स्टिकर बुक हो जाएगा। इसको कैसे बुक करना है, इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी भी, और HSRP प्लेट कैसे बुक करनी है इसकी भी। अब वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी कि आपको ये दोनों बुकिंग किस तरीके से करनी है।